सो हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम टू क्रिकेट मेज। आईपीएल 2020 पर अब धीरे धीरे रास्ता साफ होते हुए नज़र आ रहा है, जहां पर बीसीसीआई के साथ साथ बड़े बड़े लेजेंड्स खिलाड़ी का भी यही मानना है कि आईपीएल 2020 जरूर से होना चाहिए। यहां पर आईपीएल 2020 के न्यू शेड्यूल और स्टार्टिंग डेट पर बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आईपीएल 2020 का जो डेट है उसके बारे में और जो शेड्यूल है उसकी बात आज हम लोग करने वाले हैं। नहीं, उससे पहले अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से दबा लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आईडी आपके सामने नजर आ रही होगी। तो आपको पता ही होगा कि अप्रैल में आईपीएल कराना लगभग इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल इसलिए क्योंकि 14 अप्रैल तक तो लॉकडाउन रहने वाला है, उसके बाद भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहने वाले हैं जिसके वजह से जो ट्रैवल है वो करना इम्पॉसिबल होगा। खास करके ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगने वाला है, जहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि बाहर से लोगों का आना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल अप्रैल में तो रहने वाला है। जब ऑलमोस्ट 100% श्योर है कि जो फॉरेन ट्रैवल है उस पर तो रोक लगाई जाएगी। जहाँ मैं आपको बता दूँ कि इन और अराउंड इंडिया में भी ट्रैवल में काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा और यही कोशिश की जाएगी कि कम से कम ट्रैवल को अलाउ किया जाए। जहाँ तक मई की बात करें तो मई में आईपीएल करना पॉसिबल रहने वाला है, लेकिन ये टोटली गवर्नमेंट के डिसीजन पर डिपेंड करेगा। गवर्नमेंट जो डिसीजन लेगी उस पर ही हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि मई में आईपीएल हो पाएगा कि नहीं। क्योंकि रिसेंटली मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि कैसे 30 अप्रैल तक एयर इंडिया ने अपने सारे फ्लाइट्स को बंद कर दिया है। तो अगर गवर्नमेंट भी यही डिसीजन लेते हैं कि 30 अप्रैल तक या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मे तक अगर वो ट्रैवल पर रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे तो ऑब्वियसली मई में आईपीएल कराना थोड़ा बहुत इम्पॉसिबल रहने वाला है। अगर केसेस बढ़ गए उसके बाद तो आईपीएल कराना और भी मुश्किल रहने वाला है और इसी के वजह से मई में आईपीएल कराना भी गवर्नमेंट पर डिपेंड करेगा और उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई है। जहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ऑस्ट्रेलिया के हेड कोच जस्टिन लैंगर ने, साथ ही साथ जो इंग्लैंड के बहुत ही प्रमुख प्लेयर है माइकल वॉगन ने, इसके साथ साथ अब तो केविन पीटरसन ने भी आईपीएल पर एक बहुत ही तगड़ा प्लान किया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उस प्लान के बताने वाला हूँ जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के हेड कोच और जो माइकल वॉगन ने प्लान को डिस्कस किया था उसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अगर आपने वो प्लान्स नहीं देखे तो आपको आई बटन में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो आप उस प्लान को भी जाकर देख सकते हैं। तो केविन पीटरसन का यही कहना है कि हम लोग को आईपीएल 2020 को सिर्फ 3 वेन्यूज में करना चाहिए। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि इससे ट्रैवल कम होगा और उनका ये भी कहना है कि हम लोग को ऐसे 3 वेन्यूज में कराना चाहिए जो कि सेफ वेन्यू हो, सेफ इन द सेंस वो सिटीज़ में कराना चाहिए जहाँ पर केसेस कम हो या फिर ना के बराबर हो। ऑब्वियसली वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होगा, वहाँ पे वायरस नहीं होगा, तो ऑब्वियसली मैचेस कराना पॉसिबल भी होगा और रिस्की भी नहीं होगा। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो उनका कहना है कि महज 3 से 4 वीक्स के अंदर ही हम लोग को आईपीएल 2020 को ख़त्म कर देना चाहिए। यानी कि उनका यही कहना है कि 20 से 25 डेज़ का आईपीएल 2020 होगा। मिनी आईपीएल की बात वो कर रहे हैं जहाँ पर हर टीम 7 से 10 मैचेस लीग स्टेज में खेलने वाली है। अगर डेट्स की बात करें तो उनका यही कहना है कि जुलाई से अगस्त के बीच ही हम सबको ये टूर्नामेंट खेलना चाहिए। आप ये सोच रहे होंगे कि इतने सारे सीरीज़ जुलाई और अगस्त में खेले जाएंगे तो आईपीएल कैसे पॉसिबल होगा? तो मैं आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट सारी जो सीरीज़ है इस दौरान वो कैंसिल होने वाली है क्योंकि ऑब्वियसली कोरोना वायरस ने हर जगह को इफेक्ट किया है। तो केविन पीटरसन का यही कहना है कि आईपीएल को ही क्रिकेट का जो सीज़न है उसको शुरू करना चाहिए। साथ ही उन्होंने भी सेम पैसों की बात कही है, उनका यही कहा है कि आईपीएल होता है तो क्रिकेट में पैसा आएगा और इंडियन इकोनॉमी में पैसा आएगा। अभी दोनों ही स्ट्रगल कर रही है, दोनों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो अगर आईपीएल होता है तो इंडिया को भी फ़ायदा होगा, बीसीसीआई को फ़ायदा होगा और आईसीसी को भी ऑब्वियसली फ़ायदा होगा, फॉरेन प्लेयर्स को भी फ़ायदा रहेगा। इसलिए उनका कहना है कि आईपीएल 2020 जरूर से होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि क्लोज डोर्स में आईपीएल 2020 खेला जाना चाहिए। उनका यही कहना है कि ऑडियंस आएगी तो एक रिस्क रह सकता है कि वायरस फैलने का, इसलिए उनका यही कहना है कि क्लोज डोर्स में आईपीएल 2020 होना चाहिए। तो ये तो था केविन पीटरसन का आईपीएल 2020 के लिए प्लान। मुझे तो ये प्लान बहुत ही तगड़ा लगा, बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि बहुत ही सही बात उन्होंने की थी। जो पॉइंट्स उन्होंने रखे थे वो बहुत ही अच्छे पॉइंट्स थे, सारे पॉइंट्स को मैंने इस वीडियो में रख दिए। अब आपको क्या लगता है, क्या इस प्लान के जरिए आईपीएल 2020 पॉसिबल होगा कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए मेरे तरफ से इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।